माइंड सेटिंग के लिए पहले एक पेज पढ़ते हैं। मेरा न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन यहाँ पे हो गए, नर्वस कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल बेटा सिंक्रोनिक फंक्शन शो करते हैं, साथ साथ ये शो करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, बुक निकालिए फटाफट, जहां से समझाना है वहां से मैं आपको समझाना शुरू कर सकते। एनसीईआरटी निकालो, हो गया? Yes. देखिए, एज यू नो द फंक्शन ऑफ ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम इन अवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड एंड मेंटेन होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस का मतलब क्या होता है बेटा? हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू आर मोर ऑर्गन इंटरैक्ट एंड कंपेटेंट फंक्शन विद एन अनदर। कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक से ज्यादा ऑर्गन किसी सिस्टम के लिए एक साथ फंक्शन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, वेन यू डू फिजिकल एक्सरसाइज द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज टू मेंटेन इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी आर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो इंक्रीज द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज नेसेसिटेस टू इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पायरेशन द हर्ट बीट एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो इन ब्लड वेसल। कह रहे एक्सरसाइज करते समय हमारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, हमारा हर्ट पंपिंग रेट बढ़ जाता है, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन का अमाउंट कहाँ बढ़ जाता है बेटा? ब्लड वेसल्स में। तो ये सब सारी चीजें एक साथ होती हैं। व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज इज स्टॉप्ड एंड द एक्टिविटी ऑफ नर्व लंग हार्ट किडनी ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशन दस द फंक्शन ऑफ मसल लंग हार्ट ब्लड वेसल किडनी एंड अदर ऑर्गन आर कोऑर्डिनेटेड व्हाइल परफॉर्मिंग फिजिकल एक्सरसाइज इन अवर बॉडी टू न्यूरल सिस्टम द इंडोक्राइन सिस्टम ज्वाइंटली। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, नर्वस सिस्टम में एक लाइन नोट करो। इन अवर बॉडी न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम jointly coordinated and integrate all activity and integrate all the activity of organ so that they function in सिंक्रोनाइज फैशन। सिंक्रोनाइज मतलब होता है बेटा साथ साथ। ठीक है, अब आगे देखिएगा एनसीईआरटी। द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन द इंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू द हार्मोन्स। In this chapter, you will learn about the neural system of the human, mechanism of neural coordination, like transmission of nerve impulse, conduction across the synapse, the physiology of reflex action, the neural system. न्यूरल सिस्टम में बेटा, न्यूरल सिस्टम क्या होता है? चलो टाइप ऑफ न्यूरल न्यूरॉन्स में बता दूंगा, न्यूरल सिस्टम देख लो अभी कुछ नहीं है। अच्छा, न्यूरल सिस्टम बेटा इसकी ओरिजिन कैसी होगी? एक्टोडर्मल। ठीक है, न्यूरल सिस्टम में, न्यूरल सिस्टम में बेटा पहला पॉइंट लिखो, ओरिजिन इज एक्टोडर्मल और इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा? न्यूरॉन्स। लिख लो, नर्वस सिस्टम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इज न्यूरॉन्स। हो गया, आगे देखिएगा। अभी ये थोड़ी सी कहानी भर है, इसके बाद बताते हैं। द न्यूरल सिस्टम इज ऑल एनिमल इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल इज कॉल्ड न्यूरॉन द रिसीव द ट्रांसमिशन इन डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई।
The neural organization is very simple and lower invertebrate vertebral nervous system बहुत ही simple होता है. In Hydra is composed the network of neurons. The neural system is better organized in insect where brain is present along with number of ganglia. क्या था आपको मैंने बताया था number of ganglia, pair of ganglia in insect and neural tissue. The vertebrate have more developed neural tissue. देखो बेटा टाइप ऑफ न्यूरॉन लिखो. कुछ हुआ नहीं अभी आगे ना पढ़ाए तो एक लाइन हुआ है थोड़ा सा छोटा. टाइप ऑफ न्यूरॉन्स फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूरॉन कितने टाइप के न्यूरॉन है किसमें किसमें प्रेजेंट होता है. अब लोअर एनिमल में तो सिंपल टाइप का होगा जैसे जैसे हायर एनिमल होगी वैसे वैसे डेवलप और होता जाएगा. लिखो फर्स्ट ए पोलर अभी हम न्यूरॉन के में पढ़ोगे क्या क्या होता है. न्यूरॉन में आप पढ़ोगे साइटान होता है डेंड्राइट होता है एक्सॉन होता है. तीन मेन पार्ट होते हैं नर्वस सिस्टम के सॉरी न्यूरॉन के. तो फर्स्ट में क्या लिखिए बेटा ए पोलर. ए पोलर लिखो ओनली साइटोन ओनली साइटोन कहीं लिख नहीं रहे बेटा. अब फिर पीछे का फिर देख के लिखो आगे समझाते समय फिर लिखने का काम तुम दूसरे से छापना शुरू करो. फर्स्ट ए पोलर. ए पोलर में है बेटा ओनली साइटोन. डेंड्रॉन एंड एक्सॉन बोथ एब्सेंट. सेकेंड यूनिपोलर. वन साइटॉन एंड वन एक्सॉन. एक साइटॉन होगा और एक ही एक्सॉन होगा. एग्जाम्पल अर्ली इम्ब्रियोनिक स्टेज जब इम्ब्रियोनिक स्टेज में बेटा रहता है इम्ब्रियो उस समय होता है. तीसरा बाइपोलर. मेनी डेंड्राइट सॉरी बाइपोलर है ना. वन डेंड्राइट प्लस साइटॉन एंड एक्सॉन. साइटॉन और एक्सॉन बेटा हमेशा एक ही होते हैं डेंड्राइट अलग अलग होते हैं. एग्जांपल बाइपोलर में क्या एग्जांपल याद है रेटिना ऑफ आईज. रेटिना ऑफ आईज. सेकंड एग्जांपल बेटा लिखो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ नोज. ये बेटा मैं पूरा आपको पढ़ाता था जाकर के आईज में और नोज में दिखाता था याद है थोड़ा बहुत ठीक है लेकिन अभी वो है नहीं सिलेबस में तो बस एग्जांपल याद. चौथा मल्टीपोलर. अभी मैं बताऊंगा डेंड्राइट क्या होता है साइटॉन क्या होता है एक्सॉन क्या होता है. तो मल्टीपोलर में लिखो बेटा मेनी डेंड्राइट. अब कभी नर्वस सिस्टम आपने देखा होगा जब न्यूरॉन बना होगा तो ऐसे कुछ देखा होगा सिनेप्टिक ऐसे बटन टाइप के होते हैं और ऐसे ऐसे यहाँ पे लगे होते हैं ठीक है. जो ऐसे ऐसे बाहर निकले हुए हैं बेटा ये होते हैं डेंड्राइट. अभी बताऊंगा इनका ये क्या होता है साइटॉन और ये क्या होता है एक्सॉन. तो जो मल्टीपोलर होते हैं बेटा उसमें होते हैं मेनी डेंड्राइट साइटॉन एंड एक्सॉन. एग्जाम्पल सीएनएस. सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम. स्यूडो यूनिपोलर. स्यूडो यूनिपोलर में बस दो बातें खास है. पहला इनका नेचर सेंसरी होता है
देखो नेचर इज सेंसरी, एंड एग्जाम्पल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, डार्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, डार्सल रूट गैंग्लिया स्पाइनल कॉर्ड। हाँ अब देखो बेटा, टाइप ऑफ न्यूरॉन या फिर आगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम पढ़ाने के पहले आपको ये पता होना चाहिए क्रैनियल नर्व क्या होता है, स्पाइनल नर्व क्या होता है, और नर्व में सेंसरी किसको कहते हैं, मोटर किसको कहते हैं, मिक्स किसको कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मान लिया सीएनएस है, और सीएनएस से एसोसिएटेड कौन होता है बेटा, ऑर्गन, लो ऑर्गन बना दूंगा। अब ध्यान रखना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसने ये सब दिया नहीं है, आगे जाकर के डायरेक्ट उसने वैल्यू मतलब लिख दिया है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इंफॉर्मेशन ले, जैसे मच्छर बैठा आपकी पैर में, उसने चुभोया, ठीक है, मेंडिबल, और ब्लड सब करना शुरू किया, आपको पेन जो शुरू होता है वो ब्रेन बताता है। पेन किलर आप खाते हो, कभी कभी दांत दर्द करता है, पेन किलर खाए दर्द गायब, तो बेटा वो दर्द खत्म नहीं करता है। जो सेंसरी नर्वस सिस्टम आपके ब्रेन के रिसेप्टर को ले जाकर के इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको ब्लॉक कर देता है, अब आपको दर्द का एहसास नहीं होता है, दर्द खत्म नहीं होता है। उस पेन किलर का असर बेटा उस केमिकल जब रिसेप्टर से हटता है वापस फिर पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ये ऑर्गन जब इंफॉर्मेशन कहाँ लेके जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, तो ऐसे न्यूरॉन को कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। समझ में आ गया? और जब मच्छर काटता रहता है ब्रेन को इंफॉर्मेशन गया आपका हाथ पर, तो जो इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्गन तक आता है इसको कहते हैं मोटर न्यूरॉन। क्या कहते हैं? मोटर न्यूरॉन। इंफॉर्मेशन लेके आता है। कुछ न्यूरॉन ऐसे होते हैं बेटा जो ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेके जाते भी हैं दूसरी बार, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेके आते भी हैं, ऐसे नेचर वाले को कहते हैं मिक्स्ड न्यूरॉन। अब तीन टाइप के न्यूरॉन आपके समझ में आ गया, कौन कौन से होते हैं, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। क्या बेटा मिक्स में सेंसरी और मोटर दोनों के कैरेक्टर होते हैं? हाँ दोनों के कैरेक्टर होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? बस ये चीजें नोट कर, सेंसरी का दूसरा नाम अभी आगे आएगा, डॉर्सल भी कहते हैं और एफरेंट भी कहते हैं। सर ये जो पहले के पांच टाइप्स के वो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर थे, स्ट्रक्चर ये ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन है। हाँ दूसरा है बेटा मोटर, मोटर को हम वेंट्रल या फिर इफ्रेंट भी कहते हैं। डीएस डार्सल सेंट्री और वीएम वेंट्रल मोटर, हमारा एक मेडिकल कॉलेज था कानपुर में GSBM, गणेश शंकर विद्यार्थी है, बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है, तो सिद्धार्थ को मैंने याद किया था GSBM से TSBM, डॉर्सल सेंसरी वेंट्रल मोटर, डॉर्सल सेंसरी या फिर अफ्रेंट कहते हैं इसको, वेंट्रल मोटर या फिर इफ्रेंट कहते हैं। क्या क्या भी आपको मिलेगा अभी मैं आपको यहाँ बताऊंगा। अब उसने कहीं भी क्रैनियल नर्व या स्पाइनल नर्व की कोई बात ही नहीं करी,
लेकिन आगे आप पढ़ोगे तो उन सबका बात तो नहीं किया है, लेकिन बीच बीच में डिस्क्रिप्शन आता है जहां हमसे गलतियां होती हैं। तो कितने पेयर नर्व होते हैं बेटा, जो सेंट्रल होते हैं या क्रैनियल होते हैं, और कितने हमारे स्पाइनल नर्व होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट ये नोट करो फटाफट, लिखो। कितने समझ में आ गया, लिखवाने की जरूरत नहीं है कि सेंसरी किसको कहते हैं। जो इंफॉर्मेशन बेटा कहां से कहां तक, ऑर्गन से लेकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाता है, वो कौन सा होता है, सेंसरी। जो इंफॉर्मेशन सेंट्रल से लेकर ऑर्गन तक आता है उसको कहते हैं हम मोटर, और जो दोनों काम करते हैं उनको कहते हैं मिक्स। क्लियर है, चलो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करवाने जा रहा हूँ बेटा। एनसीईआरटी में दो पे नहीं मिलेगा, फिर लगेगा कि ये फालतू में करवा दिया। बिल्कुल नहीं फालतू का, कोई काम करवाने करना तो समय है बेटा, करना तो आपसे आपको करना है। लिखो, हो गया ये, लिखो इंपॉर्टेंट पार्ट। अब फ्रॉग भी है ना, फ्रॉग फ्रॉग का पहले लिख लो, क्योंकि फ्रॉग में मैं स्पाइनल नर्व का नाम आपको नहीं लिखवाऊंगा, क्या क्रैनियल नर्व का। स्पाइनल नर्व का खैर ह्यूमन में भी नहीं लिखवाऊंगा, बस नेचर बताऊंगा, और लेकिन क्रैनियल नर्व मैं फ्रॉग में बता दूंगा कितने पेयर पाया जाता है, और ह्यूमन में कितने पेयर पाया जाता है उसका नाम क्या है ये तक बताऊंगा। ठीक है, पहले तो 10 पेयर क्रैनियल नर्व प्रेजेंट इन फ्रॉग। फ्रॉग में कितना पाया जाता है बेटा, 10 पेयर क्रैनियल नर्व मिलता है। क्लियर हो गई बात, अगला पॉइंट लिखो। ट्वेल्व पेयर क्रैनियल नर्व प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग, फर्स्ट पेयर कौन से, याद रखना है फर्स्ट पेयर कौन सी है, किसी को ऊपर नीचे नहीं बोल सकते इसमें। जैसे सर्वाइकल और थोरैसिक है, सर्वाइकल थोरैसिक लंबर सैक्रल कॉर्डल, तो ऐसा नहीं कॉर्डल को यहां रख दो पहले, नहीं भैया, जो तुम्हारे स्कल से लगा होगा वो सर्वाइकल वाला ही होगा, उसके बाद आपका थोरैसिक आएगा। वैसे ये नंबर अपने जगह पे फिक्स होता है, वो पूछेगा सेवेंथ क्रैनियल नर्व, तो सेवेंथ का नाम लिखना है, फोर्थ का मतलब फोर्थ का नाम लिखना है, फर्स्ट यानी फर्स्ट, तो फर्स्ट लिखो बेटा, फर्स्ट क्रैनियल नर्व। ऑल्फैक्टरी वर्क भी लिखवा दूं, वर्क वैसे पूछा नहीं जाएगा, बहुत मुश्किल है, यही पिछले बहुत है। और फैक्ट्री मतलब, और फैक्ट्री ऑर्गन होता है, काम क्या होता है उसका, स्मेल का, तो लिख सकते हो सेंस टू स्मेल। ऑप्टिक सेकेंड, ऑप्टिक आपको पता है पीछे ऑप्टिक नर्व होती है बेटा। यदि देखो कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को मत देखो, आंख खराब हो जाएगी, कभी बल्ब नहीं और कभी चेंज नहीं होगी। तो कभी आपके आंख में चोट लग गई किसी कारण से, आईज जो है डैमेज हो गई, कुछ हुआ, मतलब आंख से आपका दिखाई देना बंद हुआ, यदि हम आई बाल को चेंज कर दें तो क्या होगा, हमें दिखाई सुन हो जाएगा। लेकिन कहते हैं सूर्य ग्रहण देखते समय जो आदमी अंधा होता है वो कभी नहीं बनता है, तो बेटा ये आंख नहीं खराब होती है, जो ऑप्टिक नर्व होती है वो जल जाती है। अब हमें बल्ब गड़बड़ हो गया है, हम मार्केट से बल्ब चेंज कर सकते हैं। नर्व का मतलब क्या है, ये तार जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लगा हुआ है, ये तार ऑप्टिक नर्व ही जल जाती है, अब कितना ही बल्ब तुम चेंज करो फिर दुनिया बिल्कुल बेटा ब्लैक शुरू हो जाएगा, इसलिए कभी भी सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए। ठीक है,
डायरेक्ट आई से एक्सरे देखते हैं, उसके लिए स्पेशल ग्लास आता है जो डैमेज नहीं करता है। पहले लोग ये ग्लास नहीं थे ना, तो पानी को थाली में रख करके या किसी चीज़ में पानी बड़े से पानी में रख करके वहाँ सूर्य का प्रतिबिंब देखते थे और देखते थे कैसे सूर्य ग्रहण होता है। कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण देखना हिंदू धर्म में बहुत पहले 2000 पहले जब चक्र संहिता आई थी तो उस समय लिखा था सूर्य ग्रहण को देखना महापाप है, उससे जो है बच्चे बिगड़ जाते हैं, आपके संतान जो है उसका सुख प्राप्त नहीं होगा और संतान यदि होगी तो नालायक संतान पैदा होगा। उसका कारण जानते क्या था? सूर्य ग्रहण देखिए दोनों खराब, अब छोटू इतना से इतना हो गया, कैसे हुआ, क्या कर रहा है तुम्हें पता ही नहीं चला, उसके ऊपर जब पेरेंटल केयर नहीं होगा तो सत्ता खराब हो जाएगी ना, तो उसको उसने धर्म से जोड़ दिया था, कारण ही नहीं था, देखोगे तो अंधे होगे और ऐसा अंधा होगा कि दवा से वो बन ही नहीं सकता, दवा नहीं ट्रांसप्लांटेशन से आज भी नहीं बनता है। कहते हैं एक और बड़ा खतरनाक होता है ब्लिंकिंग के लिए, आइस के लिए, वेल्डिंग मशीन, जो वेल्डिंग मशीन वाला स्पार्क करता है वो चुभती है बिल्कुल आंखों में, और आप देखो कि जो वेल्डिंग करते हैं बेटा एक स्पेशल टाइप का ग्लास होता है वो रख के आपके सामने तक वेल्डिंग करते हैं, ऐसे ही नहीं कर देते कि चलो हो गया, अब तो गैस वेल्डिंग आ गई, पहले कॉपर मेल्टिंग वेल्डिंग आती थी बहुत खतरनाक होती थी बेटा, ठीक है तो समझ में आ गया। सेकेंड क्या है बेटा? ऑप्टिक। ऑप्टिक क्या है? एबिलिटी टू सी। फंक्शन लिखना और लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख के याद हो गया तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक। थर्ड ऑक्लोमोटर, ऑक्लोमोटर OCCU, ऑक्लो एलो बाकी मोटर बेटा, ऑक्लोमोटर जो मसल होती है ना वो सॉरी नर्व होती है वो थर्ड वाली होती है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? शटर बंद और डाउन करने के लिए। तो मतलब किसके लिए है? शटर कहाँ है आपके पास है? इसे बंद होता है तो ब्लिंकिंग ऑफ आई। फोर्थ ट्रॉक्लियर। क्या? ट्रॉक्लियर। ट्रॉक्लियर हाँ TROCHLEAR ट्रॉक्लियर। मूवमेंट ऑफ आईबॉल। जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा वही लिखवा रहा हूं, ठीक है? तो आई वॉल आप इधर इधर करते हो, इधर इधर करते हो ना बेटा, ये इसका इसके कहां से कंडक्शन होता है? इसका प्रोक्लियर नर्व। फिफ्थ ट्राइजमाइनल। TRI ट्राइजमाइनल के लिख लो, GEMINAL ट्राइजमाइनल, ब्रैकेट में लिखना बेटा, लार्जेस्ट सबसे बड़ी नर्व जो है क्रैनियल नर्व यही होती है। अगला एब्ड्यूसेंस। नहीं जरूरी बेटा उतने ही लिखूंगा। एब्ड्यूसेंस सिक्स वाली हो गई ना, एब्ड्यूसेंस। सेवन फेशियल एक्सप्रेशन के लिए होता है, आउट ऑफ टेस्ट के लिए होता है, जरूर नहीं। एट ऑडिटरी, जब सुनते नहीं हो सुनने के लिए होता है, इसका फंक्शन लिख लो, सेंस टू हेयरिंग एंड बैलेंस। बेटा कान जो आपका होता है इंटरनल ईयर ना, उसका दो दो काम होता है, एक तो आवाज सुनने का, दूसरा बॉडी बैलेंसिंग का, ठीक है? अब कितने लोग कुछ भी खा के नहीं जाते हैं फिर भी उनको बस में बैठ के जाते हैं, कार में बैठ के जाते हैं, वॉमिटिंग होने लगती है, इसका मतलब इंटरनल ईयर का फ्लूड जो है वो ज्यादा मूव करने लगता है। खैर अब है ही नहीं, पहले तो कराता था इसको कायदे से, ठीक है? नाइन्थ ग्लासोफेरेंजियल। GLASS ओ ग्लासोफेरेंजियल, FLANGEAL
ग्लैसोफेरेंजियल। कौन सी हो गई? नाइन्थ। टेंथ वेगस। खूब वेगस के बारे में सुना होगा ना, ठीक है। लिखना लॉन्गेस्ट, मिडल ऑफ लंगाटा, हर्ट वाली, हर्ट से भी इंफॉर्मेशन जा रहा है, ठीक है। और आपका इसके बाद आपने मूवमेंट और लोकोमोशन में भी पढ़ा हुआ था उसको, ठीक है, कि मसल को भी लेके जा रहा है। तो लॉन्गेस्ट कौन सा होता है? वेगस। यदि बेटा लार्जेस्ट लिखा हुआ है और ट्राइजुबाइनल नहीं है तो कौन लगेगा आंसर में? वेगस। तो लिख लेना बेटा सेकेंड लार्जेस्ट। यदि लॉन्गेस्ट पूछेगा ट्राइजुबाइनल और वेगस दोनों है तो वेगस। पहले सुनो क्वेश्चन, यदि लॉन्गेस्ट पूछेगा ट्राइजुबाइनल भी है और वेगस भी है तो कौन लगेगा? वेगस। अगर लार्जेस्ट पूछेगा ट्राइजुबाइनल और वेगस दोनों है तो ट्राइजुबाइनल। अगर बेटा ट्राइजुबाइनल है ही नहीं और हम बैठ गए, क्या लगा, क्या लगाओगे? वेगस, ठीक है। कौन सी थी ये? टेंथ, इलेवेंथ। अब इलेवेंथ आएगा ना, इलेवेंथ देखो। स्पाइनल एसेसरी, स्पाइनल एसेसरी। ट्वेल्थ हाइपोग्लॉसल। हाइपोग्लॉसल, चलो याद हो गया होगा। फर्स्ट ऑल्फैक्टरी, सेकेंड ऑप्टिक, थर्ड ऑक्लोमोटर, फोर्थ ट्रोक्लियर होगा बेटा, ट्रोक्लियर। फिफ्थ ट्राइजुबाइनल, सिक्स एब्ड्यूसेंस। ट्रिपल ऑप्टिक ऑल्फैक्टरी, नेट ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक ऑक्लोमोटर, ट्रोक्लियर और ट्राइजुबाइनल एब्ड्यूसेंस। पर छह हो गई। इसके बाद क्या है बेटा? फेसियल, सेवेंथ। एट कौन है? ऑडिटरी। इसके बाद क्या है? ग्लासोफेरेंजियल। इसके बाद वेगर, स्पाइनल एसेसरी और फैगवश, पत्ता फैगवश। अब आप बेटा मैं इससे ज्यादा इसको नहीं बना पाया, मैं बहुत ज्यादा बनाऊ और आप याद कर लो। और तीनों से पहले शुरू है, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, ट्राइजुबाइनल, सॉरी ट्रोक्लियर, ट्राइजुबाइनल। इसके बाद एब्ड्यूसेंस है, एब्ड्यूसेंस है। इसके बाद आ गया सातवां, फेसियल, ऑडिटरी, ग्लासोफेरेंजियल, वेगस, स्पाइनल एसेसरी और हाइपोग्लॉस, ठीक है। 12 पेयर है, 12 पेयर इन 24, एक एक दो दो है, ठीक है। दो आपकी ऐसी निकले, दो ऐसे निकले, ठीक है। ये कौन सी नर्व है बेटा? क्रेनियल नर्व। कौन सी नर्व है ये? क्रेनियल नर्व, ठीक, याद हो गया। ये 10 आपको याद होनी चाहिए। अब इनका नेचर, सॉरी बात, नेचर फर्स्ट सेकेंड एंड एट, ये कैसी होती है? सेंसरी, ऐसे याद करता हूं। 128 सेंसरी, 128 मतलब 1 कौन है? ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक और आठवां एब्ड्यूसेंस। ऑडिटरी है, एब्ड्यूसेंस कौन सा है? 6, ठीक है। तो कौन कौन है बेटा? ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक और एब्ड्यूसेंस। 128 होती है वो क्या होती है? सेंसरी। मिक्स, बाकी मैं याद ही नहीं कराऊंगा, बस दो याद कर। मिक्स वेज पसंद आता है? नहीं पसंद है तो आपसे पसंद करना शुरू कर दो। पांच, सात, नौ,
जो मिक्स होती है वो क्या है, पसंद है। ठीक है, 5, 7, 9, 10 ये जो क्रैनियल नर्व होती है वो कैसी होती है, मिक्स होती है, मिक्स वेज पसंद। ठीक, अब इसके बाद बची कौन सी, कहीं की तीसरी नहीं दिख रही है, चौथी नहीं दिख रही है और छठवीं नहीं दिख रही है। लास्ट वाला नहीं याद करोगे तो भी निकाल लोगे। अच्छा ऐसा नहीं लग रहा है किसी गाड़ी का नंबर प्लेट हो, ये 346/11/12 ऐसे तो लिखा रहता है नंबर प्लेट, तो ये क्या है नंबर प्लेट किसका, मोटर का, 346/11/12 अरे यार पहला याद हो गया, 128 सेंसरी पसंद जो है वो मिक्स है, बाकी कैसी होगी नेचर की, मोटर होगी। अब बिना इस नेचर को बताए मैं कैसे बताता, समझ में आ गया, क्लियर है, सब याद हो गया, याद बता सकते हो, याद कर रहे हो तुम। अरे यार देखो क्या है, और फैक्ट्री का ऑप्टिक अपलो मोटर ट्राइजमाइनर ट्रोक्लियर ट्राइजमाइनर एब्यूसेस। ठीक है, फेजियल ऑडिटरी ग्लासोफेरिंजियल वेगस स्पाइनल एसेसी और हाइपोग्लॉसल। ठीक यार, पहले तो इनका पूरा फंक्शन था सबका, कौन किससे कनेक्ट होती है, कहाँ ले जाती है, कौन लेटरल रेक्टस बनाती है, कौन जो है ऑब्लिक रेक्टस बनाती है। ठीक है, सुपीरियर रेक्टस कौन बनाती है, इंफीरियर रेक्टस, ये सब आई इसमें था, बहुत कायदे से कराना पड़ता था, बस केवल नाम याद हो गया और फंक्शन याद हो गया, उतने से अपना काम हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया, चलो आगे बात करते हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम बात किए हैं बेटा क्रैनियल नर्व की, अब बात करते हैं स्पाइनल नर्व। स्पाइन पढ़ा था न्यूरल कैनाल, तो वहां भी तो नर्व निकलते होंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है इनका नंबर, किसमें को कितना पाया जाता है, लिखो, ये हो गया ना। कोई एब्सेंट दिख रहा है मुझे, कहां बादलों में छुप गया, धूप नहीं है, रवि है नहीं। अरे सूर्य का पर्यायवाची आता था लिखने के लिए, सबसे ज्यादा क्लास 3rd-4th तक सूर्य के ही आता था, दिनकर दिवाकर भानु भास्कर आदित्य दिनेश मित्र चांद का आता था, राका इंद्र सुधाकर सोम राकेश छपाकर शशि आप का आता था, क्या आता था, नेत्र नयन लोचन भृंग भृंग सर। मेरा एक क्वेश्चन पूछना था, दो पूछ कर पूछना है सर, जैसे कि मतलब फिजिक्स में कौन सा हम लोग पढ़ते हैं तो वो अप्लाई होता है, समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि मान लीजिए किसी को उठाएंगे हम लोग तो उसका वेट फील होता है जी, मान लीजिए अपने बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, मतलब अपने बॉडी में पावर लगाते हैं अपने आप में, तो उसका वेट थोड़ा हैवी लगने लगता है, वो क्यों होता है, कैसे अपने अपने बॉडी में कैसे लगा, मतलब बॉडी में टाइट करते हैं ना तो ऐसा लगता है तो वजन छोड़ गया उसका, कभी नहीं बढ़ेगा, लगता है ना कि नीचे जा रहा करके। देखो कब बढ़ता है कब बढ़ेगा वजन, तो ऐसे मशीन पे खड़े होकर कितना एक्टिव बैठे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तुम जंप करना चाहो तुम्हारा वेट बढ़ जाएगा, क्यों, तुम ऊपर एक्सेलरेट हुए नीचे सीरो फोर्स लगा, तो वहां पर क्या आ जाता है बेटा, mg+ma। अब तुम खड़े हो जाओ वेट मशीन पे, जंप मत करो, अपने आप को कितना दबाओ, ये पैर दबाओ कि यहां फोर्स लगा के दबा दो, इंटरनल फोर्स, कोई आदमी खड़ा है उसको दबा दो उसका वेट बढ़ जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स दूसरी बॉडी, तुम वेटिंग मशीन पे जंप करो तुम्हारा वेट बढ़ जाएगा। जैसे यदि पीठ वीठ कभी दर्द कर रहा हो छोटे बच्चे को चढ़ा के चले तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उतरते समय कई बार वो जंप करके उतर जाता है तुम्हारे पीठ से, वो दर्द करता है नहीं, ड्यू टू सूडो फोर्स। फिजिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा कि क्यों सारे क्यों के जवाब है उसके पास, इसमें नहीं इसी क्यों का जवाब है कि 12 पेयर इसमें क्यों पाया जाता है, 13 क्यों नहीं हो जाता है, क्रैनियल नर्व बेटा होता है, 207 हड्डी क्यों नहीं हो जाती, 213 क्यों नहीं हो जाती है,
नेचर में बनाया है, ठीक है, नेचर वाले से कोई छेड़छाड़ नहीं करते। ऐसा था एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, एम्स का जो है कार्डियो का हेड, ठीक है, कोई मंडेला करके थे, वो थे नेल्सन मंडेला के बेटा, ठीक है, और आईआईटी खड़गपुर से एक बहुत अच्छा बच्चा था पीयूष अग्रवाल, वो पूछा था अगर मैकेनिक तो हम भी हैं मैकेनिक आप भी हम जो है गाड़ी बनाते हैं बनवाते हैं बनाते हैं और मैकेनिक तो वो भी है जो गाड़ी को भी करता है, तो वो इंजन का फिल्टर वो भी चेंज करता है, वो 350 रुपए लेता है, और हर्ट का वॉल्व आप भी चेंज करते हो आप 3.5 लाख रुपए लेते हो, ऐसा क्यों है? तो जो एम्स के टीचर थे उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है, बिल्कुल सही बात है, तुम गाड़ी स्टार्ट करो, यहाँ कर दिए, बोले अब इसका फिल्टर चेंज करके दिखाओ, बिना गाड़ी बंद हो गई, संभव ही नहीं है, फिल्टर निकालोगे ऑक्सीजन सप्लाई में तुरंत गाड़ी बंद हो जाएगी, बोले लेकिन हम चेंज करते हैं वॉल्व ना, गाड़ी बंद नहीं होती है, और हो गई तो दोबारा स्टार्ट नहीं होती, ये वाली कीमत ज्यादा, ठीक है, तो लोगों को एसपी सर पढ़ाते थे बायोलॉजी, तो वो बोलते थे यार आईआईटी वालों से इंजीनियरों को हाथ मिलाने का मन नहीं करता है, बड़े बड़े आते हैं हाथ मिला देते हैं, नहीं यार हाथ गंदे हो जाते हैं, हम लोग बायो वाले इतने साफ सुथरे नेचर वाले ग्लव्स लगा काम करते हैं, तो बहुत दूसरे टाइप को तैयार कर देते हैं, तो बेटा ये है इसलिए है ना कि वो जो वर्क करते हैं इंजीनियर वो ह्यूमन मेड पे वर्क करते हैं, और डॉक्टर जो वर्क करता है वो नेचर मेड या गॉड मेड पे वर्क करता है, इसलिए बेटा इंजीनियर कितना ही मान हो जाए उसको भगवान नहीं करते हैं, और कई ऐसी टेक्निकल चीजें हैं बेटा जिसमें मैथ फिजिक्स वाले ने ही वर्क किया है, जहां पे सोच समझ करके काम करना है, जैसे आप जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ोगे गैमो जो जीन कोऑर्डिनेशन ये सब बनाए हैं, जेनेटिक कोड पढ़ाया है गैमोव ने दिया था जो, ठीक है, वो मैथमेटिशियन थे, मेंडल साहब ने अनुवांशिकी रूल दिया वो मैथमेटिशियन थे, क्योंकि वहां बायोनोमियल रूल फॉलो होता है, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, वैसे ही होता है एक पेरेंटल एक वो दो हाइब्रिड, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन का भी मैं आपको बता दूंगा बेटा, सब मैथमेटिकली निकलता है, तो इसमें ये क्यों का जवाब नहीं हो पाया, क्यों सर 14 प्लेयर क्यों नहीं है 18 प्लेयर क्यों नहीं, 12 है 12 यार, समझ में आ गया, ये हेडिंग डालो, हेडिंग नहीं डालो अगला पॉइंट लिखो, ये कौन सी नर्व है हमारी, क्रेनियल नर्व, कौन सी नर्व है बेटा क्रेनियल, अच्छा क्रेनियम में कितनी बोन थी, इन क्रेनियम हाउ मेनी बोन, 28 इसके क्रेनियम में, 24 ठीक है, तो क्रेनियम में 8 बोन है, इसमें पेयर में कौन कौन है, पीटी टेम्पोरल और पैराइटल, सिंपल है यार, रिलेट करके पढ़ना शुरू करो, चलो लिखो 31 पेयर क्रेनियम बोला था, क्रेनियल नहीं बोला था, क्रेनियल नर्व होती है, क्रेनियम बोन होता है, दोनों में अंतर समझो, अब हम पूछ रहे हैं क्रेनियम कितनी होती है, क्रेनियम में बोन कितनी होती है, क्रेनियम समझो क्रेनियल समझो दोनों अलग अलग है, तो लिखो क्या है बेटा 31 पेयर स्पाइनल नर्व प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग, स्पाइनल नर्व कितनी पेयर होती है बेटा 31 पेयर, अब स्पाइनल नर्व में सबसे बड़ी बात यह आती है कि स्पाइन जो स्पाइनल कार्ड है वो एक के मिलने से बनता नहीं है, सर्वाइकल है, थोरैसिक है, लंबर है, सैक्रल है, कॉडल है, ठीक है, तो सर्वाइकल है, थोरैसिक है, लंबर है, सैक्रल है और कॉडल है, यदि मैं इसमें बोन की बात करूं तो बोन तुरंत बता दोगे,
सेवन ट्वेल्व फाइव वन वन। तो ये तो हो गया आपके बोन, कितने हो गए बेटा 26 वर्टिब्रे। अब पेयर में नर्व की बात होती है बेटा, तो क्रैनियल होते हैं 8 पेयर, थोरेसिक में होते हैं 12 पेयर, लंबर में 5 पेयर, कॉर्डल में सेक्रल में 5 पेयर, कॉर्डल में 1 पेयर। बहुत कंफ्यूजन होता है नर्व वाले, बोल वाला याद है ना 7 12 5 1 1, ये तो अभी याद हो गया। ये जो पेयर में है ना, हाँ 31 पेयर है। अब देखो 12 8 20 10 30, देखिए 31 हो गया। अबू पापा एक ही बात याद हो गया, अच्छा अबू पापा लगे वही तो थे, अबू मतलब पापा, अबू पापा एक ही बात याद हो गया। तो पहले सर्वाइकल में ऐसे लिख लेना सीधे सी ए सी लिख लेना, टी लिख लेना, एल एस ए अबू पापा एक बार, ठीक 8 12 5 5 1 याद हो गया, नोट करो फटाफट। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, इसको स्टार्ट करूंगा खत्म नहीं हुआ, ये सवा घंटे का एकदम बहुत अच्छा ही है। ये ह्यूमन न्यूरल सिस्टम और न्यूरॉन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम पढ़ाऊंगा कल, न्यूरॉन और नर्व कंडक्शन इतना इसका छूट गया, तो बाकी क्लास में आए ना आए बहुत ज्यादा फर्क नहीं। समझ में आ गई बात ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको फिर CNS PNS इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री, इसके बाद पोलराइजेशन रीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन नर्व कंडक्शन, ये कतई समझ में आने वाला ही नहीं है। अभी आप पढ़ोगे नोड ऑफ एंड इंडिया, एक्सोलेमा, निसल ग्रेन्यूल, इन सब में अंतर ही समझ में नहीं आएगा, लगेगा सब एक ही तो है, बहुत माइन्यूट माइन्यूट डिफरेंट है और सबके क्वेश्चन पूछा गया है। अब केवल नर्वस सिस्टम बेटा इतना इंपॉर्टेंट है, इस बार 4 क्वेश्चन इसी से आएगा। हर बार क्या होता था बेटा इस चैप्टर नर्वस सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन आते थे, एक क्वेश्चन आपका आई से आता ही आता था और एक क्वेश्चन आपका ईयर से आता ही आता था, मतलब 4 क्वेश्चन कम से कम रहते थे। एक तो पीछे का एक डाइजेस्टिव सिस्टम डिलीट हुआ है तो एक क्वेश्चन ये पड़ा, दूसरा आईज और ईयर डिलीट हुआ है तो नर्वस में आएगा, तो केवल नर्वस सिस्टम से 4 से 5 क्वेश्चन तो आने आने हैं मिनिमम मान के चलो। फिजियोलॉजी में हर चैप्टर का वेटेज बढ़ गया, एक डाइजेस्टिव बहुत बड़ा चैप्टर था उससे 4 क्वेश्चन आते ही आते थे, एक तो वो डिलीट हुआ, दूसरे इसमें भी तो डिलीट हो गया है टंग ईयर आई टेस्ट वर्ड वेस्ट वर्ड ये सब चले गए, तो बेटा टंग और आईज को मिला करके एक क्वेश्चन मिनिमम आता था, ईयर से एकदम फिक्स था एक क्वेश्चन आता ही आता था। अब ये सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे, अब बहुत ज्यादा है नहीं, आराम से खत्म हो जाएगा। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे
मैक्सिमम फ्राइडे तक ये खत्म हो जाएगा और अगला चैप्टर में शुरू भी कर दूंगा, ठीक है। टाइम देके पढ़ाऊंगा, बाकी तो तीन तीन दिन में खत्म होता है बेटा, इसको टाइम देके पढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि इम्पोर्टेंट चैप्टर। सबके वो 6-7 पेज है, लगभग 3.5-4 दिन लग जाएंगे, हाँ बेटा लग जाएगा, बहुत समझाना है इसे, और एक बार ये समझ में आ गई तो भूलेगा नहीं, बहुत सिंपल चैप्टर है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि तुम रटना चाहोगे तो रट ही नहीं पाओगे, बिल्कुल बहुत कायदे से इसको पढ़ना है, डिकोडराइजेशन रिकोडराइजेशन, जो 10 मिनट का पेज देंगे बेटा, फिर शुरू करेंगे फिजिक्स पढ़ाएंगे।